नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। गणेश चतुर्थी का उत्सव 31 अगस्त दिन बुधवार को है। इस दिन गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करके इस त्यौहार को धूमधाम से लोग मनाते हैं। वहीं कुछ लोग पूरे 10 दिनों तक व्रत भी करते हैं, मगर व्रत के साथ अक्सर कुछ लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी के इन पावन दिनों में और गणेश चतुर्थी के उत्सव के दिन आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी व्रत में जमीन के अंदर की चीजों को खाना वर्जित माना गया है। इस दिन मूली, प्याज, गाजर और चुकंदर का सेवन ना करें। गणेश चतुर्थी पर अगर आपने व्रत रखा है तो काले नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। गणेश चतुर्थी के व्रत में पापड़, चिप्स, पूड़ी, पकौड़ी, मूंगफली ना खाएं। इस व्रत में तुलसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए तुलसी ग्रहण ना करें। घर का कोई भी सदस्य या खुद भी तामसिक भोजन ना करें। गणेश चतुर्थी के दिन आप मीठा खा सकते हैं। इसके साथ ही आप व्रत में साबूदाने की खिचड़ी, आटे के हलवे की जगह कुट्टू का आटा, सिंघाड़े या राजगिरी के आटे की रोटी, पराठा खा सकते हैं। कोशिश करें कम ऑयली खाना खाएं और हर थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ ना कुछ खाते रहें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।